हम लोग प्रश्नावली 10.1 के पहले जो एग्जाम्पल है उसको करेंगे, फिर प्रश्नावली करेंगे। लेकिन उसके पहले एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि जो स्वतंत्र सदिश क्या होता है। स्वतंत्र सदिश इंग्लिश में इसको बोला जाता है फ्री वेक्टर। तो मैथ्स में जो हम लोग डील करेंगे वो फ्री वेक्टर के बारे में ही पढ़ें। स्वतंत्र सदिश का मतलब होता है कि किसी भी वेक्टर को जो है उसका ना तो परिमाण हम लोग बदलेंगे ना दिशा, और उसको उसी के समांतर जो है विस्थापित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर हमारा है, ये वेक्टर हमारा कोई वेक्टर ए है, तो इसकी ना तो लंबाई बदले ना दिशा बदले, लेकिन इस वेक्टर को उठा के अगर इसी के समांतर यहाँ लाके रख सकते हैं, तो जो पूरा मैथ्स हमारा जो होता है वो स्वतंत्र वेक्टर को ही डील करते हैं। यानी किसी भी वेक्टर को, सदिश को हम लोग ना तो उसकी दिशा बदलते हैं, ये देखिए जो दिशा अभी थी वही है, और ना तो लंबाई बदलते हैं। बिना दिशा और परिमाण बदले हम लोग उसको समांतर उसके विस्थापित करके कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्री वेक्टर होता है, और एक होता है लोकेलाइज्ड वेक्टर, जो है हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे कि जिसका जो है फिक्स पॉइंट होता है, कि किस पॉइंट पे वो लग रहा है उसका पॉइंट फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे मैथ्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्र सदिश के बारे में पढ़ेंगे। तो एक लाइन इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि स्वतंत्र सदिश किसको बोला जाता है, कि स्वतंत्र सदिश उस सदिश को कहते हैं, उस सदिश को कहते हैं जिसका या जिसके परिमाण यानी लंबाई होती है, और दिशा को परिवर्तित किए बिना, दिशा को परिवर्तित किए बिना स्वयं के समांतर विस्थापित किया जा सकता है। यानी ये स्वयं के समांतर का मतलब ये किसी लाइन पे तो होगा ही, इसी लाइन के समांतर कहीं भी विस्थापित कर दो बिना स्वयं के समांतर विस्थापित किया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्र सदिश। तो यहाँ पे हम लोग जो है नॉर्मली मैथ्स में, या हम लोग ऐसे लाइन लिख लेते हैं, मैथ्स में हम स्वतंत्र सदिश के बारे में पढ़ते हैं। यानी अगर कहीं पे कोई सदिश आपका होगा तो उसको उसी के समांतर बिना उसकी लंबाई बदले और बिना उसका दिशा बदले कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर को ये देखिए यहाँ पे ले आइए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैथ्स में। इस वेक्टर ए को यहाँ पे ले आइए, ना तो दिशा बदल रही है ना परिमाण बदल रहा है, तो इसी को क्या बोला जाता है हमारा, स्वतंत्र सदिश। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम्पल हमारा है। पहले हम लोग एग्जाम्पल वन करते हैं। एग्जाम्पल वन हमारा क्या कह रहा है, दक्षिण से 30 डिग्री, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए।
ठीक है। तो विस्थापन हमारा क्या होता है, सदिश राशि होती है, और एक विस्थापन यहाँ पे दिया है जिसका परिमाण भी दिया है और दिशा भी दिया है। इसका हमको क्या करना है, आलेखीय निरूपण करना है। और आलेखीय निरूपण करने का मतलब क्या हो गया कि वही जो हम लोग वेक्टर जो है ड्रा करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या काम करते हैं, हम लोग चारों दिशाएं मानते हैं। तो नॉर्मली ये हमारा क्या होता है, ईस्ट। तो जो ये ईस्ट हो गया तो ये वेस्ट, और ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ। ठीक है, ईस्ट मतलब ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये दक्षिण दिशा हो गई हमारी। अब हमारा क्या कह रहा है कि दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम, ठीक है, दक्षिण से, यानी दक्षिण ये हमारा दक्षिण दिशा ये है, इससे कितना होना चाहिए 30 डिग्री पश्चिम, यानी यहां से दक्षिण से 30 डिग्री का कोण बनाएगा, और किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो ये पश्चिम हमारा ये हो गया, तो दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम, यानी इस यहां से 30 डिग्री कोण यहां पे होगा। तो इसका मतलब समझिए कि अगर दिया है कि दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम का मतलब दक्षिण से पश्चिम दिशा में 30 डिग्री कोण पे जाइए। अगर यही से दिया होता दक्षिण से 30 डिग्री पूर्व तो क्या हो जाता, इधर हो जाता। अब इसका आलेखीय निरूपण करना है, तो परिमाण हमारा क्या है, परिमाण हमारा है यहाँ पे जो वेक्टर हमारा ये है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर परिमाण है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मात्रक मान लेते हैं कि एक सेंटीमीटर हम लोग मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर प्रदर्शित करेगा। तो 40 किलोमीटर हमको प्रदर्शित करने के लिए कितनी लंबाई खींचनी पड़ेगी, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर लंबाई खींच लेंगे। आप कुछ और भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चार सेंटीमीटर, और ये हमारा हो गया एंड पॉइंट, और ये हमारा हो गया शुरुआती पॉइंट OP। तो ये जो OP वेक्टर हमारा हो गया, OP वेक्टर ये हमारा क्या प्रदर्शित कर रहा है, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर का विस्थापन। और यहाँ पे मात्रक क्या है, स्केल हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, वेक्टर को निरूपित कर लिया हम लोगों ने। ये पहला एग्जांपल हमारा है। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं, तो कुछ राशियां दी हैं, इनको हमको जो है सदिश और अदिश में छांटना है। तो पहला क्या है, एक राशि है ये 5 सेकंड, दूसरी राशि जो दी है ये 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरी राशि है ये 10 न्यूटन, और चौथी राशि है हमारा 30 किलोमीटर पर आवर, पांचवी राशि है हमारा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और छठी राशि है हमारी यानी है 20 मीटर पर सेकंड उत्तर की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 है, इसमें बताना हमको कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी अदिश है। तो सदिश का मतलब जिसमें दिशा भी हो। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, 5 सेकंड, 5 सेकंड हमारा क्या है, ये समय है। पहला हमारा क्या है, ये समय है, और समय कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। दूसरा हमारा क्या है जो दिया है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मात्रक देख के हम लोग जो है जान सकते हैं, ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये मात्रक किसका है, ये आयतन है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये मात्रक से हमको पता है, क्योंकि आयतन का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। तो आयतन है हमारी राशि, तो ये क्या होगी, आयतन भी हमारा क्या होता है, अदिश होता है। दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट ये हमारा क्या है, 10 न्यूटन, और ये 10 न्यूटन मात्रक से हमको पता चलता है ये क्या है, बल है, और बल की क्या होती है, दिशा होती है। तो ये बल हमारा क्या होगा, ये सदिश होगा।
चौथा हमारा क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो मात्रक है इसमें किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा दो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है वेग और एक होता है चाल। तो वेग क्या होता है, सदिश, वेग की दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, लेकिन चाल क्या होता है हमारा, अदिश होता है, ठीक है। और दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, जो भी आप लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर, इसमें दिशा नहीं दी हुई है, तो ये हमारा क्या होगा, चाल होगा। अगर ये दिया होता 30 किलोमीटर पर आवर किसी दिशा की ओर, तो ये हमारा क्या होता, वेग होता, सदिश। तो ये हमारा क्या है, चाल है राशि, और ये क्या है, अदिश राशि है, चौथा हो गया। पांचवा, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या होता है, घनत्व, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो घनत्व द्रव्यमान ग्राम में और आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये हमारा राशि क्या बता रहा है, मात्रक से ये घनत्व है, और घनत्व कैसी राशि होती है हमारी, अदिश राशि होती है। छठवां, 20 मीटर पर सेकंड उत्तर की ओर, तो ये हमारा क्या है, वेग है, क्योंकि इसमें जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, तो ये हमारा क्या है, राशि वेग है, और वेग क्या होता है, सदिश होता है। तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2 कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन, जो एग्जाम्पल आपका 3rd है, वो करते हैं। एग्जाम्पल 3, इसमें क्या करना है, इसमें एक फिगर दिया है, ये कह रहा है कि आकृति 10.5 में कौन से सदिश पहला, कौन से सदिश संरेख हैं, यानी हमको क्या बताना है, कौन से संरेख हैं, और दूसरा बताना है कौन से सदिश समान हैं, और तीसरा हमको बताना है कि कौन से सदिश सह आदिम हैं। और ये आपका फिगर दिया हुआ है, फिगर बना देते हैं। ये हमारा, ये 3 यूनिट है यहाँ से, और यहाँ से एक हमारा बना हुआ है वेक्टर, ये क्या है, 2 यूनिट है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर सी भी हमारा क्या है, ये 2 यूनिट है, और वेक्टर डी हमारा 3 यूनिट है इसके, ये हमारा वेक्टर डी है, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये जो एक कट लगा है, इसका मतलब ये क्या है, 1 यूनिट 2 यूनिट, ये हमारा क्या, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। अब इसमें हमको सबसे पहले बताना है कि कौन से संरेख हैं, ठीक है। संरेख का मतलब क्या होता है, कि जो हमारा एक ही रेखा के समांतर होते हैं। तो पहला हम लोग जो है थोड़ा डिफिनीशन के हिसाब से करेंगे, पहले संरेख का मतलब तो पता होना चाहिए। संरेख का मतलब क्या होता है, कि एक ही रेखा के समांतर, एक ही रेखा के समांतर सदिश, एक ही रेखा के समांतर सदिश। अब देखिए हमारा जो ए है और सी, ठीक है, ए और सी क्या है, समांतर है, और ये हमारा डी भी क्या है, समांतर है। तो यानी जो सदिश ए सी, ए सी तथा डी, ये क्या होंगे, संरेख होंगे, क्योंकि सारे के सारे ये तीनों क्या हैं, समांतर हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमको देखना है कि कौन से सदिश समान हैं, समान, तो समान में क्या होना चाहिए हम लोगों का, दिशा समान होना चाहिए और परिमाण भी समान होना चाहिए।
तो दिशा देखिए, वेक्टर ए कितना यूनिट है, दो यूनिट है, एक यूनिट दो यूनिट, वेक्टर सी भी क्या है, दो यूनिट है, और दोनों की दिशा भी क्या है, सेम है। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी हमारे क्या हैं, समान सदिश हैं। तीसरा पॉइंट इसमें पूछा है सह आदिम। सह आदिम का मतलब क्या होता है, जिनकी जो जिनका शुरुआती बिंदु क्या हो, एक ही हो, यानी सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान होता है उनको क्या बोला जाता है, सह आदिम। तो देखिए ये हमारा जो वेक्टर बी का शुरुआती पॉइंट यही है, वेक्टर सी का भी शुरुआती पॉइंट यही है, और वेक्टर डी का भी शुरुआती पॉइंट यही है। तो एक तो हमारा वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी हमारा क्या हो गया, सह आदिम हो गया। तो वेक्टर बी, वेक्टर सी तथा वेक्टर डी सह आदिम सदिश हैं।